चलिए सभी को नमस्कार। और आज जिस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपके बीच आया हूँ वो है जो कि दिल्ली सरकार माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा के नेतृत्व में इस लॉकडाउन के द्वारा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस आर्थिक सहायता जो जितने भी पैरा ट्रांजिट व्हीकल्स हमारे दिल्ली में हैं, ऑटो हैं, टैक्सीज हैं और ई रिक्शा हैं और भी जितने अन्य वाहन हैं, तो उनको जो भी लॉकडाउन के कारण जो दिक्कत हो रही है उसमें किस प्रकार से मदद कर सके। तो जैसे पिछली बार 5,000 रुपये की राशि सभी के अकाउंट्स में दी गई थी, तो उसी प्रकार से जैसे कि सीएम साहब ने लगभग एक हफ्ते पहले डेढ़ हफ्ते पहले अनाउंस किया था, और मुझे लगातार काफ़ी मैसेज सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे, उस पर लगातार आ रहे थे, तो उसी को क्लियर करने के लिए और जो भी डाउट्स वगैरह हैं ट्विटर पे भी इस बार कोशिश की है कि ट्विटर पे लाइव हूँ और मैसेज में देख रहा हूँ। फेसबुक पे लाइव हुआ है नहीं हुआ है मुझे थोड़ा देखना पड़ रहा है अभी। कोई मैसेज कर रहे हैं डिस्प्ले नॉट शोन। ओके, तो जितने भी पैरा ट्रांजिट व्हीकल्स पीएसवी बैच जिनके हैं और परमिट्स जिनके हैं, तो ये मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि पिछले लगातार एक हफ्ते में काफ़ी हमने मेहनत की, तमाम जितने भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और जितने हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के भी जो अधिकारी, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके, तो पहला हमने वादा किया था कि जिनको पिछली बार 5,000 रुपये मिले हैं उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछली बार हमने ये भी महसूस किया कि लगातार जब रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है तो हमने चेक की कॉपी उनसे मांगी, आधार कार्ड, तो उसको लोड करने में जितने भी हमारे चालक भाई हैं उनको कुछ कुछ परेशानी हुई। तो मेरी शुरू से यही कोशिश थी कि जिनको पिछली बार आर्थिक सहायता मिली उनके बैंक अकाउंट्स में उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता ना पड़े, और लगभग पिछले साल हमने 1,58,000 के आसपास हमने राशि दी अलग अलग चालक को या जो परमिट होल्डर्स हैं। तो आपको ये खुशी होगी जानकर जो वादा किया था, जिन जिन को पिछली बार उनके अकाउंट्स में राशि मिली है, कल हमने 1,55,301 केसेस को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सैंक्शन कर दिया है। तो इसका मतलब उनको कहीं भी आने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1,55,301, कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, संजय गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग, आई थिंक कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है शायद, पवन शर्मा गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, नमस्कार सभी को नमस्कार, राजेश कुमार जुड़े हुए हैं, महेंद्र सिंह उधर जुड़े हुए हैं, रघुवीर, सभी को नमस्कार। तो मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि पिछले साल जिन जिन को आर्थिक सहायता उनके बैंक अकाउंट में मिली थी, हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार से जिन लोगों का किसी भी प्रकार से पिछले एक साल में डेथ हुई है, देहांत हुई है, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जो लोग आज के दिन चालक हैं या परमिट होल्डर हैं या ई रिक्शा चला रहे हैं उन्हीं को ये राशि दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही है। तो हमने जितनी भी अलग अलग एमसीडी हैं, नॉर्थ हैं, साउथ हैं और न्यू दिल्ली है, दिल्ली कैंटोनमेंट है, उनसे जितनी भी एक साल, पिछले एक साल के अंदर जिनकी डेथ हुई उनका सारा हमने डेटा मंगाया,
उस डेटा से जिनको पिछले साल राशि दी गई थी उनको फिर मैच किया, और लगभग 500 केसेस के आसपास ऐसे सामने आए हैं जिनकी डेथ हुई है, जो कि सेम नाम से हैं। अब उनको दोबारा एक बार हम वेरीफाई कर रहे हैं। उनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये भी मैंने आदेश दिए हैं कि हर एक व्यक्ति को फ़ोन करके एमएलओ के अंडर अलग अलग टीम बनाई जाएंगी। वो जितने भी ये 500 नाम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है हमारा, जिन्होंने पूरा ये इसको डेटा को एनालाइज किया है, उनको फ़ोन किया जाएगा और दोबारा एक बार कंफर्म किया जाएगा कि वाकई में इन चालक की या परमिट होल्डर की या ई रिक्शा के मालिक की डेथ हुई है नहीं हुई। लेकिन अगर हम ब्रॉडली बात करें तो लगभग 500 केसेस के आसपास ऐसे सामने आए हैं जिनकी डेथ हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ट्यूसडे तक हम ये लिस्ट भी वेबसाइट पे डाल देंगे कि कौन कौन से लोग हैं जिनकी डेथ हुई, और उनको इससे पूरी जो एक्सरसाइज है वहाँ से उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो लगभग 78 करोड़ की सैंक्शन दे दी गई है कल। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1,55,301 केसेस की सैंक्शन जो है वो कल दे दी गई है। उनको फर्दर आगे किस प्रकार से बैंक के द्वारा उनके खातों में पैसा पहुंचेगा उसकी जो प्रतिक्रिया है वो चालू हो गई है, और मेरे ख्याल से उस पूरे जो हमने पिछले साल देखा, 1 से 2 दिन का समय उसमें प्रोसेसिंग में लग जाता है। तो मेरे ख्याल से मंडे दोपहर या मंडे शाम तक आपके अकाउंट्स में ये पैसा आना चालू हो जाएगा। और मैं ये फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो 1,55,301 लोग हैं, इनको कहीं भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये नया नए एप्लीकेंट्स के लिए जब लिंक खुलेगा तो उसमें उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओला उबर के बारे में काफ़ी लोग लिख रहे हैं, तो अगर आप ओला या उबर में जुड़े हुए हैं या ड्राइव कर रहे हैं वहाँ पे, तो अगर आपका PSV बैज है तो आप भी इस स्कीम में शामिल हो पाएंगे। रुचि अधिकारी नमस्कार बोल रही हैं, आपको नमस्कार। यशपाल, राजीव, राजीव कश्यप, विक्की खुराना, हमारी गाड़ी की स्पीड लिमिट का भी ये लॉकडाउन के कारण ये इशू हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ टेकअप किया था कि दिल्ली में जो अलग अलग जगह स्पीड लिमिट्स हैं और कुछ जो पुरानी टैक्सी हैं और नई टैक्सियों के बीच में कुछ अंतर है। दीपक तेलान, सभी को नमस्कार। मोहित लिख रहे हैं कुछ चार्टर ऐप के बारे में, मैं समझ नहीं पाया उनका सवाल क्या है। बैंक से लेंगे, पिछली बार भी पैसा पिछली बार काफी ये समस्या आई थी कि जो चालक भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है, लेकिन उसके बावजूद उनके अकाउंट में पैसा किसी प्रकार से ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था। तो फिर उन सारे केसेस को हमने फिज़िकली वेरीफाई करके हर एक MLO जो हमारे RTO में जो अधिकारी हैं, जो अथॉरिटी में जो अधिकारी हैं, अलग अलग टीम्स उनकी बनाई थी, और उन सारे केसेस को उनके उनसे फिजिकली वेरीफाई करा के और डायरेक्ट हमने उनको RTGS के द्वारा पैसा दिया था। तो इस बार भी उसी प्रकार से करेंगे। अगर ऐसे कोई केसेस हमारे सामने आएंगे जिसमें जो एप्लीकेंट है वो ये कह रहा है कि उसका बैंक अकाउंट लिंक है आधार से, लेकिन सॉफ्टवेयर किसी कारण से उसको अलाउ नहीं कर रहा है, तो उनको फिर फिजिकली वेरीफाई करके पैसा जो है उनके अकाउंट में पहुंचाया जाएगा। जितेंद्र जुड़े हुए हैं साथ में, अनुज, लक्ष्मण सर, लेबर कार्ड का पैसा तो हमारे खाते में। लेबर कार्ड मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा लेबर, क्योंकि मेरे पास वो डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर कुछ दिक्कत है तो फिर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, कब तक मिल जाएंगे। अनिल अनिल मनोचा ने लिखा है,
अकाउंट पे, तो जिनके अकाउंट में पिछली बार पैसा आया था, मैं फिर दोबारा, जो लोग शायद हो सकता है लेट जुड़े हैं, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि कल हमने 155,301 एप्लीकेंट्स जो पिछली बार जिनके खातों में पैसा गया था उनको सैंक्शन दे दिए है, और उनको कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, किसी वेबसाइट पर जाके दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये चीज़ बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे लिंक, जैसे पिछले साल जैसे लिंक चालू हुआ था तो उस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, एक साथ अगर डेढ़ लाख से 2 लाख लोग अगर एक साथ लॉगिन करते हैं तो उस पर साइट पे बहुत ज़्यादा लोड होने के कारण या तो साइट क्रैश हो जाती है या हैंग हो जाती है, तो उसको दोबारा रीस्टार्ट करने में समय लग जाता है। तो मेरा आपसे जितने भी ये 155,301 केसेज हैं, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आपको कहीं भी अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप वेबसाइट पे जाके लॉगिन करने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि आप अगर पहुंच भी गए साइट पे तो आपका जो ये केसेस हैं ये दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आधार से लिंक करके उनको हमने ब्लॉक कर दिया है। जो नए एप्लीकेंट हैं, मेरे पास ये भी मैसेज बार बार आ रहा है कि जो नए एप्लीकेशंस हैं पिछले एक साल में, पिछले अप्रैल से लेके अभी तक लगभग हमने देखा कि 2000 के आसपास नए पीएसवी बैज बने हैं, तो वो सब अप्लाई कर पाएंगे, और उनके लिए भी लिंक जो सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, वो बिल्कुल तैयार कर ली गई है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। हमारे कुछ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारी उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं ये आने वाले 1 से 2 दिन में पूरी करके, और मंगलवार तक हम ये लिंक भी चालू कर देंगे ताकि जो नए केसेस हैं वो अप्लाई कर सकें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मंगलवार तक जितने हमारे पुराने केसेस हैं जिनके खातों में पिछली बार पैसा आया था उनको भी अपने अपने खातों में पैसे पहुंच जाएंगे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, 155,301 केसेस की सैंक्शन जो है वो कल दे दी गई है, फॉर्मेलिटीज़ जितनी भी हैं वो सारी पूरी कर ली गई हैं डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और उनको आगे जितने भी ये केसेस हैं 155,301 ये अलग अलग बैंक्स में सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिए गए हैं, और कल दोपहर के बाद किसी भी समय से उनके खातों में पैसे आने चालू हो जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये राशि से सारी प्रॉब्लम तो हल नहीं होंगी, लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन के दौरान जो मुश्किलें सामना जो कम करनी पड़ रही हैं इसमें कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। मेरे भी प्रभु कुमार लिख रहे हैं, पिछले जिनके भी अकाउंट में अगर पिछले साल किसी भी कारण से पैसा नहीं आ पाया तो वो दोबारा आप जो अभी नया लिंक जो ओपन होगा उसमें आप अप्लाई कर लीजिए, तो कोशिश करेंगे कि इस बार जो पिछले साल परेशानी हुई वो परेशानी ना हो। एक दो दिन में एक टेलीफोन नंबर भी आपके बीच हम शेयर करेंगे, अगर फिर भी किसी को कोई परेशानी है तो उस टेलीफोन पे अगर किसी की कोई शिकायत है या किसी की कोई प्रॉब्लम है उसके लिए भी एक अलग से एक की जाएगी। विक्रम आप सर आपसे बहुत उम्मीद है, नहीं हम बिल्कुल, हम 24 घंटे आपके लिए माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 24 घंटे आपके लिए हम अवेलेबल हैं, और पूरी कोशिश और आम आदमी पार्टी की जो सोच है, माननीय सीएम साहब की जो एक कोशिश रहती है कि आम आदमी के जीवन में जो जो दिक्कतें आ रही हैं किसी भी प्रकार से। रविंद्र गोस्वामी गुड मॉर्निंग, पंकज सक्सेना दिल्ली टेक्स्ट के बारे में कुछ, मैं समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आप हमारी मदद, मेरे दिल्ली काम, मुझे उसके लिए आपको थैंक यू बहुत, पार्किंग के नाम पे बहुत, पार्किंग का अलग एक विषय है। हितेश लिख रहे हैं स्कूल कैब के बारे में,
स्कूल कैब के बारे में भी उसको टेकअप करेंगे अगली बार। रमनदीप सिंह, लॉकडाउन कब ओपन होगा? आई थिंक सीएम साहब का आज कॉन्फ्रेंस रहेगा, तो उसमें बताएंगे किस प्रकार से लॉकडाउन का रहेगा। धर्मेंद्र वर्मा, ड्राइवर भाइयों को सही ओला उबर नहीं दे रहा है। अनिल लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पिछले अकाउंट में आधार ब्लॉक? नहीं नहीं, किसी भी आधार को उस प्रकार से ब्लॉक नहीं किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 155,301 जो केसेस हैं, जिनको ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा सैंक्शन कर दिया गया है, मतलब कि उनको 5,000 रुपये की राशि मिलेगी, उनको दोबारा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जो नया लिंक, जो नए एप्लीकेंट्स हैं, जो जिनको पिछले साल नहीं मिला, या पिछले साल जब ये स्कीम थी तो उस टाइम वो उनके पास ना तो पीएसवी बैज था, ना वो ई रिक्शा के मालिक थे, ना परमिट होल्डर थे, तो उसका मतलब वो इस स्कीम में एलिजिबल नहीं थे। लेकिन उसके बाद सपोज उन्होंने जून में अगर पीएसवी बैज बना लिया, जुलाई में बना लिया, या जनवरी में बना लिया, तो वो फिर इस साल जो ये जो स्कीम है अभी जो अभी राशि दी जा रही, तो उसमें वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो उनके लिए जो लिंक हम दोबारा चालू करेंगे उसमें वो अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन जिनको पिछले साल राशि मिली थी और इस बार हमने जो 155,301 जो केसेस हमने सैंक्शन कर दिए हैं, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले बार जिनको नहीं मिला था, ज़रूर मिलना, बिल्कुल। पिछले साल अगर किसी कारण से अगर वो पीएसवी बैज है, या ई रिक्शा चला रहे हैं, या परमिट होल्डर हैं, तीन अलग तरह के ये केसेस थे, अगर उनको किसी कारण से नहीं मिला तो वो दोबारा इस बार अप्लाई कर सकते हैं। ओला उबर के बारे में काफ़ी लोग लिख रहे हैं बार बार। जो ओला उबर के बारे में कुछ जो चालक भाई लिख रहे हैं, तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि अगर कुछ स्पेसिफिक अगर कुछ कंप्लेंट हैं, तो आप मेरे नाम चिट्ठी लिख के और वो पॉइंट्स को क्लियरली बता दीजिए कि कहाँ पर क्या परेशानी आ रही है। आज बैंक वाले नन्हे बाबू लिख रहे हैं, बैंक वाले परेशान हैं रोड। पिछले साल फरवरी से लेके आज तक जितने भी किसी प्रकार से जिस भी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो फिटनेस है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस है, वो सारे आज तक वैलिड हैं। सिटी टैक्सी पॉलिसी भी उसका चल रहा है काम, बहुत जल्द उसको भी लागू किया जाएगा। सर पारस लिख रहे हैं, लिंक नॉट अवेलेबल। पूरी कोशिश रहेगी कि मंगलवार तक जो लिंक के बारे में, जो नए एप्लीकेंट्स हैं, जो लिंक के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो एक दो दिन का समय और उसमें लगेगा, क्योंकि टेस्टिंग चल रही है। हम नहीं चाहते कि बिना टेस्टिंग के वो उसको लॉन्च किया जाए, क्योंकि बिना टेस्टिंग के अगर उसको दोबारा लॉन्च करेंगे तो फिर परेशानी जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको ज़्यादा आएगी। राजेश कुमार गुप्ता लिख रहे हैं, पूछो ऐप के बारे में। उस पर भी काम चल रहा है, काफ़ी उसमें चेंजेस हैं पूछो ऐप में। उसको पूरा इंटीग्रेट किया जा रहा है, जितनी भी हमारी DTC की बसें हैं उसमें उनको भी उसको, क्योंकि उनमें सभी में GPS अब चालू हैं। एक बार लॉकडाउन खुल जाए, थोड़ा सा इस महामारी से हमें राहत जैसे ही मिलेगी, तो पूरी कोशिश है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, सीएम साहब का भी बहुत रुचि है इसमें, कि जितने भी हमारे पैसेंजर्स हैं, जितने भी बसों के द्वारा जो सफ़र करते हैं, भारी एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो
हमारे जितने भी बसें हैं उसमें सफ़र करते हैं लोग डेली, उनको किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए बस की लोकेशन कहाँ है, किस स्टैंड पे कब तक वो बस पहुँचेगी, तो वो पूछो ऐप के द्वारा उसकी लाइव आप लोकेशन देख पाएंगे। सर 2 साल के लिए, विक्रम लिख रहे हैं, परमिट और फिटनेस संजय और लाइव के लिए। नहीं, मुझे भी बहुत खुशी है क्योंकि काफ़ी टाइम से अलग अलग सवाल जो हैं वो आ रहे थे सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे। संतोष पांडे जुड़े हुए हैं, हरिओम, आपका भी, आपका, आप सभी का भी आभार साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। विश्वनाथ फिर दोबारा ओला उबर के बारे में कुछ लिख रहे हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, सभी से अनुरोध है कि अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है तो बिना किसी संकोच के आप चिट्ठी के द्वारा वो आप लिखें और मुझ तक पहुंचाएं। कुमारपाल जुड़े हुए हैं, अच्छा फिर दोबारा बोला। श्याम कुमार लिख रहे हैं लॉकडाउन के बारे में, सीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आप सभी को बताएंगे उसके बारे में। गुलशन कुमार में बैंक के लिए भी कुछ करें कि बैंक कैब, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या एग्जैक्टली सवाल था, लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पारस लिख रहे हैं आधार में एड्रेस, नहीं एड्रेस से कोई उसका लिंक नहीं है, आपका जो आधार से आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए। काफ़ी बार हमें ये पाया गया है कि जो बैंक अकाउंट आधार से लिंक है उसमें वो चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन और काफ़ी बार पता भी नहीं है एप्लीकेंट को, जो आवेदक है उसको ये मालूम नहीं है कि कौन सा बैंक अकाउंट उसका आधार से लिंक है, तो आप उसको ज़रूर चेक करें क्योंकि जो पैसा है वो आपका जो आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक है उसी में आएगा। जिसको अप्लाई करना है वो YouTube पर वीडियो देख सीख सकता है। कहना चाहता हूँ कि उसमें विकास लिख रहे हैं गाड़ी का परमिट ख़त्म हो गया है, अगर आपका किस कोई भी परमिट है या फिटनेस है, ड्राइविंग लाइसेंस है या और भी कोई अगर डॉक्यूमेंट है जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत बन रहा है तो वो 1 फरवरी 2020 से लेके आज तक समय समय पर उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर सपोज किसी का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, सपोज उसका जून में एक्सपायर हो गया है या मार्च 2020 में एक्सपायर हो गया, तो वो आज तक भी वैलिड है, उसको आप आज भी रिन्यू करा सकते हैं। ₹5,000 ट्विटर पे लिख रहे हैं, ₹5,000, तो मैं दोबारा ये बस रिपीट कर दे रहा हूँ फिर दोबारा, तो 155,301 केसेस को सैंक्शन दे दिया गया है कल, और ये लगभग राशि 77.65 करोड़ की ये राशि लगभग सैंक्शन कर दी गई है। उनको जो आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट है वहाँ उनको सॉफ्टवेयर में भेज दिया गया है कि उनके अलग अलग बैंक खातों में पैसा भेज दिया जाए। उसको प्रोसेस होने के लिए मुझे लगता है कि कल दोपहर के बाद किसी भी समय ये उनके खातों में पैसा आना चालू हो जाएगा। तो कल दोपहर के बाद, कल शाम के आसपास आप अपने खातों में चेक करना स्टार्ट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पैसा आपके खातों तक पहुंच जाएगा। जो डेथ केसेस थे उनको अलग अलग एमसीडी से संपर्क करके वो केसेस की लिस्ट हमने मंगाई, उनको अलग किया। लगभग 500 केसेस ऐसे सामने आए जिनकी जो जिनकी का देहांत, जिनकी मृत्यु पिछले 1 साल में हुई है, उनको अलग कर दिया गया है। उसकी भी लिस्ट पूरी कोशिश रहेगी कि मंगलवार तक वो पूरी एक बार फिर दोबारा वेरीफाई करके मंगलवार तक उसको हम अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले कर देंगे। अगर कोई भी चेक करना चाहेगा तो उसको चेक कर सकता है।
नया जो लिंक है, जो नए जो एप्लीकेंट हैं जो पिछले साल एलिजिबल नहीं थे या किसी भी कारण से पिछले साल नहीं मिला, वो लोग हमारी मेरी पूरी कोशिश रही है कि मंगलवार तक वो लिंक भी वेबसाइट जो है चालू हो जाए, तैयार हो गई है वेबसाइट, सिर्फ उसकी टेस्टिंग चल रही है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, हम भी उसको टेस्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारी उसको टेस्ट कर रहे हैं ताकि एक बार लॉन्च होने के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो ये चीज़ें थी मेन। बाकी आपके बीच आके मुझे बड़ी खुशी हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में जो जो सवाल थे उसका मैं जवाब दे पाया। अगर ज़रूरत पड़ी तो मंगलवार के आसपास फिर दोबारा आपके बीच फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से आपके बीच दोबारा आएंगे और आपसे फिर दोबारा इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मंगलवार तक काफ़ी लोगों के जो ये सहायता राशि है ये आपके बीच, अच्छा कैमरा जो है वो कह रहे हैं कि बैक साइड पे था ट्विटर का, थैंक यू। तो राहुल लिख रहे हैं मेरे दो सेविंग अकाउंट हैं। नहीं, आपके सेविंग अकाउंट कितने भी हो सकते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है उसी अकाउंट में ये राशि आएगी, तो उसी अकाउंट को आप जरूर चेक कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आपका आधार कार्ड से कौन सा लिंक है, तो आप अपने बैंक में जाके इसको पता कर लीजिए, नहीं तो आप जो वेबसाइट है वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। संजय डागर लिख रहे हैं डीएमआरसी के खिलाफ एक्शन। अगर आप जो डांसर स्टैंड खैरा मोड पे जो इंसिडेंट हुआ है तो उसके अगेंस्ट ऑलरेडी इंक्वायरी हमने स्पेशल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के अंडर ऑलरेडी इंक्वायरी चालू हो गई है। जोगिंदर सोलंकी भी जुड़े हैं साथ में, आपका स्वागत है जोगिंदर। सुनील सिंगल, रविंद्र गोस्वामी, हरजीत लिख रहे हैं हम लोगों को टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए और विचार सुनने के लिए। तो यही थे मेन चीज़ें आपके बीच रखने के लिए। और जो लोग अगर बाद में जुड़े हैं तो मैं फिर दोबारा बस आखिरी बारी रिपीट करके फिर इसको सेशन को समाप्त करेंगे। कल ट्रांसपोर्ट द्वारा 155,301 केसेस को सैंक्शन दे दी गई है 5,000 रुपये राशि की। उनके खातों में पैसा पहुंचाने के लिए जो भी प्रोसेस है वो चालू हो गया है, एक दो दिन में वो पैसा जो है उनके अकाउंट में आ जाएगा। जो ये 155,301 लोग हैं इनको कहीं भी रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आने या जाने की आवश्यकता नहीं है या कहीं भी दोबारा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जो नया जो लिंक है वो हम, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मंगलवार तक उसको एक्टिवेट कर दिया जाए। वेबसाइट तैयार हो गई है, उसकी टेस्टिंग चल रही है और मंगलवार तक मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 155,301 लोग हैं उनके खातों में ये पैसा भी पहुंच जाएगा। आप सभी का धन्यवाद, आप लोग जुड़े और फिर दोबारा आपके बीच ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा आपके बीच आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और अंत में आप सभी को मैं अपील कर रहा हूँ कि इस महामारी कोरोना के टाइम में आप सब अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें, मास्क ज़रूर पहने। बार बार डॉक्टर्स और जो साइंटिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि जिनको एक बार कोरोना हुआ है या जिनको टीका लग गया है उनको भी सावधान रहना है, क्योंकि ये नया स्ट्रेन है। और तो ऐसा नहीं है कि आपको टीका लग गया है या किसी को कोरोना हो चुका है तो उसको नहीं होगा। तो मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ समय समय पर ज़रूर धोएं, और अगर तभी आप घर से बाहर निकलें जब बहुत ही ज़रूरी है। वैसे भी लॉकडाउन फिलहाल चल रहा है और सीएम साहब कॉन्फ्रेंस के द्वारा आप सबको बताएंगे कि आगे का क्या कैसे रहेगा। और आप सभी अपना ध्यान रखें, आप भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी
आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, दोस्त लोग सभी स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।